रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ने बड़ा आरोप लगाया है। ओलेना ज़ेलेंस्की ने रूस के सैनिकों पर यूक्रेनियों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने यौन हिंसा करने वालों रूसी सेवा सदस्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उन पर कार्रवाई करने की सीधे तौर पर मांग कर डाली। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के करीबियों पर लगा है अब तक का सबसे बड़ा इल्जाम। ये आरोप उन पर लगा है जिस पर व्लादिमीर पुतिन करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इल्जाम लगाने वाले ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने पुतिन पर क्या गंभीर आरोप लगाया है इसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। ओलेना ज़ेलेंस्का ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाएंगी। आखिर ओलेना ज़ेलेंस्का ने क्या बताया कि पुतिन के सबसे बड़े फैन भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ये गंभीर आरोप बहुत खतरनाक है और ये आरोप ऐसे लोगों पर लगाए गए हैं जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी दी है। ये आरोप इसलिए लगा है क्योंकि पुतिन को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं और जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन भेजा उन्होंने कर दिया है बहुत बड़ा क्राइम जिसे दुनिया वॉर क्राइम कहती है। आरोप ऐसा है जिसे सुनकर आपको युद्ध में हो रही तबाही बहुत छोटी लगने लगेगी। दुनिया की मीडिया में इस वक्त पुतिन के खास लोगों पर लगे इस आरोप की चर्चा हो रही है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का एक बहुत ही खास मीटिंग के लिए ब्रिटेन आई और यहां राजधानी लंदन में वो कुछ ऐसे लोगों से मिली जो पुतिन को पसंद नहीं करते हैं। इस मौके पर मीडिया भी था और फिर ज़ेलेंस्का ने जब बोलना शुरू किया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। ओलेना ज़ेलेंस्का ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया और अब ये शब्द पूरी दुनिया की हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए हैं। पहला, ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि नहीं मालूम कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं। दूसरा, ओलेना ने कहा कि यूक्रेन की महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है और ऐसा करने वाले पुतिन के सबसे भरोसेमंद सैनिक हैं। तीसरा, ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा कि पुतिन की फौज जानवर बन चुकी है। Do not feel in complete safety because of constant rocket attacks. We are not confident. We don't really know whether we'll wake up tomorrow safe and alive in our beds. But the subject of sexual violence is a separate subject because, in my opinion, it's the most cruel, the animalistic way to prove their mastership over you.